अभी गाइस वरना का झगड़ा हो गया छोटे छोटे बच्चों से, तो ये कह रही है मार दियो मम्मी मार दियो। अभी गई है उधर, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो इसी के साथ करते हैं अपने शुरुआत। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है, इवनिंग का टाइम हो चुका है। तो कुछ दिन पहले मैंने अच्छे से नहीं दिखाया था आपको इवनिंग का, तो अब मैं दिखाती हूँ। तो चार बज चुके हैं। गिरा दिया? अच्छा से मिल लो गाइस, ये हमारा छोटा धमाका, ये देखिए बैलून है। अच्छा कुकू, हाँ। और अभी नीचे दो शैतान हैं मेरे नीचे हैं, आपको दिखाती हूँ कहाँ गए। नीचे तो खाली है अभी, तो नहीं है गाइस, साइकिल चला रहे हैं अभी इधर बैठे हुए। बहुत धूप हो रही है, अभी भी 4 ही बज रहे हैं लेकिन धूप ज़्यादा है। और मैं अंदर से आ चुकी हूँ, मैंने कहा चलो अब काम कर लेती हूँ, शाम का टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं। तो 2 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, तो चेंजिंग वगैरह करके भी आ गई और नीचे से शिवर ने खेल के भी आ गई है। बच्चे क्या गदर मचाते हैं। हाँ हाँ बैलून फुला दूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपकी शैतानियाँ दिखा दूँ एक बार। बच्चे आए हैं लेकिन बैग नहीं रखा है, इनको नहीं बोलो तो गाइस ये नहीं रखते हैं। और देखो ड्रेस भी फेंक रखे हैं इन लोगों ने अपनी, और ये देखिए कितना फैला रखा है पूरा घर, ये लोग फैला देते हैं। यहाँ एक बुक धर दी है, इधर ये है, ये ना फैला देते हैं जब तक मैं अंदर रहती हूँ ना 2 घंटे, क्योंकि मुझे भी रेस्ट करने के लिए चाहिए। क्या फुला दूंगी, और एक इसका गुब्बारा डेली फुलाने पड़ते हैं ये लोग, देखो ये कितने। और जब तक ये ना गुब्बारे ख़त्म नहीं होंगे ना, ये रे मेरे हाथ में और वो नीचे रखे हुए, ये और मैडम के हाथ में, ये देखो बैलून है। हाँ बैलून है, मुंह दर्द कर जाएगा जब तक ये गुब्बारे मतलब कि फूटेंगे नहीं ना, जब तक इनको फुलाते ही रहो बस। और थोड़ा अब मैं ये काम कर लेती हूँ, और अब इसके पापा को याद आया खाना खाना है, अब खाना बनाती हूँ पहले, फिर इसको साड़ी को समेटूंगी। कैसा डा? अच्छा चल रहा है। रिकॉर्डिंग कर लिया तो गाइस अब मैं कर लेती हूँ सफाई। सारे बर्तन बच्चों ने फैला रखे थे यहाँ पे, जो खाना खाया वो यहीं सामने रख दिया था स्लैब पे, तो अब मैं इसको जमा रही हूँ, मतलब बर्तन सिंक में डाला है मैंने, और जो बर्तन धुले हुए रखे थे उनको मैंने जमाया है। और यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए, जो कि क्रिस के पापा के लिए रोटी बनानी है मुझे। सब्जी वगैरह ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको गरम करने पे लगा दिया है, और मैंने जब तक एक ही रोटी बनाई ना गाइस, भाई जब तक मैंने रोटी बनाई है जब तक इन्होंने मना कर दिया, रोटी खाने से मना कर दिया कि कोई आ गया है नीचे, तो अब उनके पास गए हैं, तो अब ये रोटी उनके लिए मैं बाद में बनाऊंगी। और जब तक आ गया हितेश, और हितेश का झगड़ा हो गया था क्रिस से तो बताने आया था, तो मैंने कहा मैं आकर अभी डांटूंगी उसे। तो अब जो थोड़े बर्तन हुए हैं उनको भी मैं अब धो रही हूँ, और गाइस मेरे तो ये बर्तन ही ज़्यादा होते हैं, बच्चे कभी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो बर्तन इतने ज़्यादा कर देते हैं बार बार, तो बस बार बार मैं बर्तन ही धोती रहती हूँ मैं तो। तो गाइस अब मैंने बना ली है रोटी, ये आ गए थे नीचे से तो मैंने रोटी बना के रख दी थी, तो अब मैं इनके लिए घी वगैरह लगा देती हूँ रोटी पे। अब
अच्छा चुप हो जा। तो गाइस आप भी खा लीजिए, रायता है, कढ़ी है और हाथ वाली रोटी है। प्लेट में डाल दी। तो गाइस रोटी लेकर मैं अब अंदर आ चुकी हूँ और उनको रोटी भी दे दी है और बच्चे यहीं पर अब खेलने लग गए खेलो और मैं भी यहीं आकर लेट गई हूँ। और इन्होंने देखो एसी के पास ही गुब्बारा जो है वो उड़ा दिया है और मैं मना भी कर रही थी उनके रहन दे, इसके पापा कह रहे कुछ नहीं होता है खेलने तो बच्चों को। ये ना हवा एकदम वही खींच रही है एसी की हवा जो होती है गुब्बारे को। और यहाँ वापस मैं आ गई हूँ रसोई में क्योंकि शिवन्या के एकदम पेट में दर्द हो गया था खेलते खेलते, वो तो सुबह से रहा था लेकिन तो मामूली मामूली सा हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए कराया गर्म पानी और गर्म पानी में मैं इसके लिए थोड़ी सी हींग और नमक जो होता है काला वो डाल दूँगी तो इससे इसको आराम हो जाता है। और जो पानी बचा है गाइस उससे मैं इसकी जो बोतल रखी है दूध की उसमें डाल दूँगी गर्म पानी तो इससे ये वॉश हो जाएगी। साथ में ही मैंने गाइस बोतल भर के रख दी है जो कि खाली कर दी थी बच्चों ने और दूध हमारा आ चुका था। तो अब मैं दूध को छान के भगोने में डाल के फिर से गर्म चढ़ाने में लगा दूँगी। दूध मैंने चढ़ा दिया है गैस पे और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करने के लिए। तो ये सोफ़ा ठीक नहीं था तो इसे झाड़ के दोबारा मैंने कराए सही से और बैग वगैरह बच्चों के रख दिए और जो कपड़े रखे हुए हैं वो मैं धोने में डाल दूँगी। और साथ में ही धीमे आंच पे कर दिया था गैस पे मैंने दूध तो ये सारे काम मैं इसी में कर लूँगी। और ये निकाल रही हूँ मैं शाम का झाड़ू। तो गाइस मैंने आपसे कहा था ना कि बार बार बर्तन हो जाते हैं ये देखिए, क्योंकि बच्चे हैं ना थोड़ा करते हैं। और ये इसमें सब्जी रखी हुई थी कढ़ाई वो मैंने धोई नहीं थी, मैं सब्जी वगैरह रखी हुई थी तो वो रह गई थी तो वो भी धोई है और जो बर्तन कर दिए हैं बच्चों ने वो भी। और साथ में कर रही हूँ मैं यहाँ पर गैस साफ। थोड़ा सा दूध गिर गया था जब वो बॉयल होता है तो मैं उधर झाड़ू लगा रही थी जब तक वो थोड़ा सा गिर गया। और यहाँ पर चढ़ा रखा मैंने तवा तो साथ में ही मैं बच्चों के लिए शाम का नाश्ते के लिए बना लूँगी पराठे वगैरह। और पराठे बनाऊँगी मैं देसी घी के क्योंकि बच्चों को देसी घी के पसंद है। गाइस जब तक मैं बना रही हूँ नाश्ता तो जब तक बच्चे गए हैं नीचे दोबारा घूमने के लिए क्योंकि वन्या मान नहीं रही थी तो मैंने कहा ठीक है नीचे ले जाओ इसे और उनका जब तक मैं तुम्हारा नाश्ता बना लेती हूँ। तो बच्चे गए हैं नीचे घूम रहे हैं बच्चे अभी और जब नाश्ता वगैरह मेरा बन जाएगा जब मैं इनको बुला लूँगी ऊपर और इनके लिए ट्राइंगल वाले जो पराठे होते हैं ना वो वाले ट्राइंगल वाले बना दूँ मैं इनके लिए पराठे। तो सब लोग
एक एक दो दो लेंगे। और पराठे बनाने के बाद तो बच्चे आए नहीं थे ऊपर, तो मैंने सोचा चलो सेवन नीचे अभी खेल ही रही है, तो मैंने कहा क्या आवाज़ लगाऊंगी। तो मैं धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, तो इनको मैंने कहा चलो अलमारी में ही तय करके लगा देती हूँ, तो ये भी थोड़ा काम हो जाएगा। अब उनके बच्चे आएंगे जब मैं उनके लिए पराठे गर्म कर दूँगी। गाइस अभी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक भी पहुँचता रहे। तो बाय बाय गाइस।